सो गाइस रियलमी 10 प्रो प्लस में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। ऐसे में हम जो कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं इस फ़ोन की, जो सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के कुछ सैंपल ले लेंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के फोटोज़ वीडियो के दोनों सैंपल ले लेंगे, देखेंगे भाई कैमरे की क्वालिटी में क्या कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उससे पहले देख लेते हैं अपडेट में है क्या क्या। तो चलते हैं और डिवाइस में, देख सकते हैं अपडेट जो है 966.5 MB का अपडेट है। बी अपडेट पर करते हैं क्लिक। जो अपडेट है 8.31 करके है। यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम और इंटेलिजेंट सर्विस का अपडेट है। तो बेसिकली जो 4K में वीडियो प्ले करते हुए अटक रही थी यूट्यूब में, वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होने वाली है। दूसरा जो इंटेलिजेंट सर्विस को जो बाय डिफॉल्ट जो ऑफ था उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला। तो खैर कैमरे का कोई अपडेट नहीं, लेकिन कई बार देखा जाता है भाई कैमरे में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कैमरे की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है, दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। समय हम जो इस वीडियो में जो कैमरे की टेस्टिंग करने वाले हैं और देखेंगे भाई क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फटाफट से सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसके बाद जो सैंपल लेंगे हम सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के। और सो गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, सेटिंग में चल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। और डिवाइस में चलते हैं, देख सकते हैं रियलमी UI 4.0 जो कि यहाँ पर वर्जन अप टू डेट दिखा रहा है 8.31 करके। सो गाइस अब सैंपल कंपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों के, और देखें भाई किस तरह का जो क्या डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है कैमरे की क्वालिटी में। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले ही है, प्राइम मिडलैंड से डिफॉल्ट एप्लीकेशन से शूट कर रहे हैं। देख सकते हैं डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही है, कलर्स जो किस तरह के नज़र आ रहे हैं, और देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है मे बी वेदर में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो जिस वजह से थोड़ा सा कलर्स और डिटेल्स में डिफरेंस देखने को मिले। हो सकता है कि क्वालिटी इंप्रूव भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। और फिलहाल इस और जो जूम करके देख लेते हैं एक बार, बैकग्राउंड में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना भाई साहब, बादल छाए हुए आसमान में तगड़े वाले, अभी जूम आउट कर रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की फुटेज है। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की है, प्राइम मिडलैंड से डिफॉल्ट एप्लीकेशन से शूट कर रहे हैं। देख सकते हैं डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही है, कलर जो किस तरह की नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम एक जगह खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली कैमरे को जस्ट मूव कर रहे हैं। ऐसे में जो स्टेबलाइजेशन कैसा काम कर रहा है देख सकते हैं आप, और जो डिफरेंस कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की फुटेज थी इस उस फुटेज में और इस फुटेज में क्या डिफरेंस ओवरऑल आपको नजर आ रहा है, बैकग्राउंड को देख सकते हैं, कलर्स को देख सकते हैं। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की फुटेज है और अल्ट्रा वाइड लेंस से शूट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिटेल किस तरह की नज़र आ रही है और कलर्स जो किस तरह के नज़र आ रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो देखना होगा डिफरेंस किस तरह का नज़र आएगा, क्वालिटी इंप्रूव होती है कि डिक्रीज़ होती है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। जैसे में हमें काफ़ी टाइम भी लग गया कैमरा टेस्टिंग में, क्योंकि भाई साहब बारिश हो ही जा रही थी, वेदर क्लीन नहीं था, बट हमने फाइनल सोचा भाई अब सॉफ्टवेयर अपडेट करके कैमरा टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की है और फिलहाल जो हम अल्ट्रा वाइड लेंस से शूट कर रहे हैं, ऐसे में देख सकते हैं डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही हैं, कलर्स जो किस तरह की नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल हम एक जगह खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जस्ट कैमरे को मूव कर रहे हैं। जैसे में जो स्टेबलाइजेशन कैसा काम कर रहा है और डिफरेंस के लिए आप जो कलर्स देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, बेसिकली जो डिटेल्स है वो किस तरह की नज़र आ रही है, उससे जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे भाई कैमरे क्वालिटी में कोई जो इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई किस तरह का कोई डिफरेंस है। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है और फिलहाल हम वॉक करते हुए यहाँ पर शूट कर रहे हैं, किसी तरह का गिम्बल या ट्राइपॉड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही है और कलर्स जो किस तरह के नज़र आ रहे हैं, और स्टेबलाइजेशन जो फिलहाल जो कैसा काम कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर प्राइम मिडलैंड से शूट कर रहे हैं वॉक करते हुए, ना किसी तरह गिम्बल है ना ट्राइपॉड है। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की है, प्राइम मिडलैंड से डिफॉल्ट एप्लीकेशन से, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए कर रहे हैं, फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ कैजुअली, बेसिकली फ़ोन हिल डुल रहा है, किसी तरह का जो गिम्बल ट्राइपॉड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की फुटेज है, डिटेल्स कैसी नज़र आ रही, स्टेबलाइजेशन जो कैसा काम कर रहा है, जैसे कि फ़ोन हिल भी रहा है और कलर्स वगैरह किस तरह के नज़र आ रहे हैं, ओवरऑल क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है, अल्ट्रा वाइड लेंस से शूट कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर वॉक करते हुए ही शूट कर रहे हैं। देख सकते हैं डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही हैं, कलर्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं और स्टेबलाइजेशन जो कैसा काम कर रहा है। अब देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो किस तरह का कोई
डिफरेंस देखने को मिलता है, स्टेबलाइजेशन की बात करें, चाहे कलर्स की बात करें, चाहे डिटेल्स की बात करें। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की है। फिलहाल अल्ट्रा वाइड लेंस से शूट कर रहे हैं, जो कि हम वॉक करते हुए कर रहे हैं, किसी तरह गिम्बल ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं डिटेल्स जो किस तरह की नज़र आ रही है, कलर्स जो किस तरह के नज़र आ रहे हैं, फ़ोन हिलता है चलते हुए प्रॉपर, और उसके बाद भी जो स्टेबलाइजेशन जो कैसा काम कर रहा है, ऐसे में जो आप कंपेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की फुटेज में, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा की जो फुटेज में क्या डिफरेंस आपको जो नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सो गाइस आपने देखे फोटोज वीडियोस के सैंपल सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के, क्या डिफरेंस आपको नज़र आया कैमरे की क्वालिटी में कमेंट करके जरूर बताइए। भाई अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कलर्स ऑलमोस्ट सेम थे, जो डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सेम थी। कलर्स में जो भी डिफरेंस देखने को मिला होगा ना थोड़ा बहुत, वो कहीं ना कहीं इस वजह से मिला होगा क्योंकि वेदर में थोड़ा बहुत चेंजेस था, मतलब बादल वक्त छाए होंगे, बादल हट गए होंगे, इस वजह से जो कलर्स थोड़ा सा बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।